राखी के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ये त्योहार है, पवित्र त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, तो ऐसे में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। साथ में इन्हें आप देख सकते हैं, इनके हाथों में मास्क भी दिया जा रहा है। यहाँ पर मैनेजर हैं जो इस शॉप के हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय शर्मा मैम। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने जो निर्देश दिया है, किस तरीके से आप उस निर्देश को मान रहे हैं और अपने कस्टमर को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या आप लोगों की तरफ से दिया? मैम ऐसा है ना, जैसे हमारे अपना सीएम साहब ने ये बहुत अच्छा अपना इनिशिएट लिया है कि सारी बातें कि अपना कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसके चक्कर में हमने क्या किया कि अब जैसे गेट पे हमारे जो लड़का खड़ा होता है वो अपना थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है और साथ में सैनिटाइज मतलब प्रॉपर कर रहा है। और हमने एक चीज और अपना अपने एंड से ही ये किया है कि हम चाहते हैं कि जैसे मेरा गेस्ट कोई आता है मेरे से बॉक्स लेता है मिठाई का, तो हम उनको ना अपने एंड से मास्क भी दे रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं कोरोना से कि हाँ इससे कैसे बचा जा सकता है, वो चीज सारी इम्पोर्टेंट। सर कितने मास्क दिए जा रहे हैं, अगर वो ज्यादा मांगते हैं क्या ज्यादा भी दिया जाए? यस मैम यस, जैसे अपना एक गेस्ट आ रहा है उनको दो तो दे ही रहे हैं, जैसे अपना कोई दो चार गेस्ट आते हैं तो उनको जितने अपना पर हेड है उतने उनको दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस शॉप में लगातार जो ग्राहक हैं वो पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर तरीके की यहाँ पर जो भी एहतियात के तौर पर बरतनी चाहिए चीजें वो इस शॉप में बरती जा रही है। और यहाँ पर जो ग्राहक पहुंचे हैं इनसे भी हम जानेंगे कि जो सरकार का ये कदम है उन्हें वो किस तरीके से देखते हैं। मेरा नाम जुगराज सिंह है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं राखी के लिए मिठाई लेने आया हूँ। ये जो सरकार ने निर्देश दिया बहुत ही अच्छा निर्देश दिया है, ये सिंधी स्वीट्स वालों ने जो भी हम मिठाई खरीद रहे हैं उसके साथ दो दो मास्क दे रहे हैं। मैंने अभी देखा भी कुछ देर पहले जो कस्टमर आए थे उनको तीन या चार मास्क भी इन्होंने दिए, तो बहुत ही अच्छा है, कोरोना को देखते हुए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया ये। अच्छा, जैसे गरीब लोग हैं वो मास्क नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं, सराहनीय कदम है सरकार का, गरीबों को कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी? गरीबों को सहायता मिलेगी मैम अगर कोई इनिशिएटिव ले, अगर कोई ऐसा बंदा है जो गरीबों में भी मास्क बांटे, तो ये जो बीमारी है उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथों में बकायदा मास्क है, और दोबारा यहाँ पर और भी ग्राहक पहुंचे थे, और यहाँ पर जो मिठाइयाँ भी पैकिंग यहाँ पर की जा रही है, प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से हर चीज का ध्यान रखा जाए ताकि ये संक्रमण बढ़ ना सके। ग्लव्स लगाए हुए हैं, मास्क पहना हुआ है, और सर को भी इन्होंने पूरी तरीके से कवर किया है। यानी कि पंजाब सरकार की तरफ से जो निर्देश हलवाई की जितनी भी दुकानें हैं पंजाब में उनको दिए गए थे, वो निर्देश की पालना अब इनकी तरफ से की जा रही है। कैमरामैन शेर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर।